हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाला हूँ और वो प्रोडक्ट है डार्क स्पॉट्स पे डर्माकोल का प्रोडक्ट है। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसी वीडियो में मैंने बात की थी अगर ये मेरा प्रोडक्ट जल्दी आ रहा है वो जाएगा तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसी के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है कॉजी क्रीम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था वो है ये डर्माकोल की कॉजी क्रीम। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि अगर ये प्रोडक्ट मेरा जल्दी आ जाएगा तो डेफिनेटली इसका भी रिव्यू दूंगा। तो ये जो डर्माकोल का प्रोडक्ट है ये मुझे कुछ एक महीने पहले आ गया था। तो उसी के बाद मैंने इसे भी, जैसे मैंने फेस वॉश को कहा था, अगर हमने फेस वॉश वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने डर्मा का कहा है वो फेस वॉश बेस्ट है और रियली वो फेस वॉश बेस्ट है। तो उसी को देख के मैंने ये सोचा था कि यार इसकी कॉजी क्रीम ट्राई करते हैं डार्क स्पॉट्स के लिए, क्योंकि एक्ने के लिए तो वो बेस्ट है यार। मैं काफी हद तक एक्ने कंट्रोल हो गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि डर्माकोल का कोई और प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, तो मैंने मंगाया कॉजी क्रीम डार्क स्पॉट्स के लिए। और ये भी बता दूं कि ये इस वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, नॉन स्पॉन्सर्ड है वो फेस वॉश वाली भी वीडियो और ये भी वीडियो। तो मैं बात करता हूँ ये इस प्रोडक्ट की। तो मैं देखो पहले सिंपल वर्ड यूज करता हूँ, ये प्रोडक्ट बिल्कुल अभी अच्छा नहीं है, ये एकदम वेस्ट है, रियली बता रहा हूँ वेस्ट है। जब मैंने फेस वॉश ट्राई किया था मैंने तब भी कहा था कि यार देखो फेस वॉश अच्छा हो सकता है, बाकी की चीजें शायद इस प्रोडक्ट की अच्छी ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो फेस वॉश अच्छा है तो सारे प्रोडक्ट भी अच्छे हों। और रियली यार वो ट्रू निकला, ये क्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मुझे तो मतलब एकदम पैसा वेस्ट था यार मेरा क्रीम। और अगर शायद मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो स्पॉन्सर्ड होती तो मैं रियली ये भी शायद ये भी बोलता कि बहुत इफेक्टिव है यार ले लो, मगर मैं ये नहीं चाहता किसी का पैसा वेस्ट हो, क्योंकि अगर आप अपने पैसे से लोगे तब आपको पता चलेगा कि रिजल्ट क्या दिखना चाहिए और क्या दिखता है। क्योंकि अगर आप वीडियोज की देखोगे डर्माकोल के प्रोडक्ट की तो सारी वीडियोज स्पॉन्सर्ड है, 95% वीडियो स्पॉन्सर्ड है, और डेफिनेटली तब तो सब कहेंगे कि रियली प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा है। जैसे मैंने फेस वॉश कहा वो फेस वॉश रियली इफेक्टिव है तो वो अच्छा है, जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। तो उसके लिए मैंने ये डार्क स्पॉट्स की ट्राई करी थी ये कॉजी क्रीम, और इसमें मैं 10 दिन ही मैंने बस यूज किया था, मगर मुझे बिल्कुल भी बकवास जैसे दिखा, ऊपर से कुछ साइड इफेक्ट दिखने लगे थे, मेरे डार्क स्पॉट्स के ऊपर पिंपल्स होने लगे थे। यार ये मैं रियली ट्रूथ बता रहा हूँ, मेरे डार्क स्पॉट्स के ऊपर पिंपल होने लगे थे। भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार फेस वॉश तो अच्छा है, उस तो इफेक्टिव है, मगर ये क्रीम बहुत बकवास है यार। जब आप इसे लगाओगे ना पहली बार, तो आप इसे लगाओगे तो आपके फेस पूरा व्हाइट व्हाइट एकदम क्रीम टाइप फैल जाएगा, और बहुत ज्यादा पहली बार आपके फेस पे अब्जॉर्ब भी नहीं होगा। और चलो वो चलो ठीक है कि टेक्सचर उतना अच्छा नहीं है, मगर यार कुछ अगर रिजल्ट नहीं दिखा रही है तो कुछ साइड इफेक्ट भी ना दिखा है, मगर ये मेरे डार्क स्पॉट्स के ऊपर पिंपल होने स्टार्ट हो गए थे यार, रियली बता रहा हूँ ट्रूथ। तो अगर इसको लेने को सोच रहे हो तो मैं अभी से सचेत कर दे रहा हूँ एकदम कि मत लो यार, एकदम वेस्ट बकवास क्रीम है। और ये तो मुझे लग रहा है कि फेस वॉश से भी कुछ, मेरा फेस वॉश जो था कॉजी वो डर्माकोल का वो 350 का था और ये कुछ ये 500 की थी। तो अगर आप 500 अपने समझ लो पॉकेट मनी से लगाते हो तो डेफिनेटली फिर एकदम वेस्ट लगेगा, फिर तो लगेगा कि इसका मतलब बाकी प्रोडक्ट भी बकवास होगा, ताकि मैं बाकी प्रोडक्ट भी इसका ट्राई करूंगा डेफिनेटली, क्यों और मैं अपने पैसे से वो सारे प्रोडक्ट मतलब ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को एक अच्छा रिव्यू दे सकूँ यार। डेली क्या अगर आप अपने पैसे से लोगे तो क्या आपको वैसा रिजल्ट दिखेगा जैसा आप चाहते हो, क्योंकि अगर आप अपने से पैसे से प्रोडक्ट लेते हो डेफिनेटली आप उससे काफी मतलब आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार अच्छा सबको अच्छा रिजल्ट दिख रहा है मुझे भी दिखेगा। तो मैं इसी वजह से अभी ले रहा हूँ, और अभी मेरी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। तो रियली अगर आप ये सोच रहे हो तो डेफिनेटली मत लो यार, ताकि इसके इंग्रीडियंट तो पता नहीं अच्छे हैं, शायद ही मेरी फेस भी सूट ना करती हो, बस क्योंकि मेरी पहले मैं अपने फेस का बता देता हूँ, मेरी फेस ऑयली है और एक्ने प्रोन वाली स्किन है। तो अगर आपकी भी ऐसी स्किन हो डेफिनेटली आपको भी ये प्रोडक्ट वैसा ही सूट करेगा। ये कॉजिक एसिड क्रीम है और कॉजिक क्रीम मुझे लगता है बेस्ट होती है डार्क स्पॉट्स के लिए, मगर इसका रिजल्ट पता नहीं क्यों बकवास है, और रियली साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट के कि मेरे डार्क स्पॉट्स के ऊपर एक्ने आना स्टार्ट हो गए थे। तो रियली अगर आप ये सोच रहे हो लेने की, मैं सिंपल वर्ड कहूंगा मत लो यार, वेस्ट है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने मतलब पॉकेट मनी से प्रोडक्ट को भी लेते हो तो आपको रियली यार यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार मतलब प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि सारी स्किन पे सूट हो रहा है, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट किसी न किसी को देख के, या फिर जैसे यूट्यूब वीडियोज हो गई तो आप उसमें से देखे, या फिर किसी की राय से शायद आपने लिया हो, तो आप इसीलिए लेते हो कि शायद वो मेरे फेस पे इफेक्ट करे। तो मैंने भी यार यही सोच के लिया था, क्योंकि मेरा जब मैंने ये देखा था तो तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, अभी एक महीने बस हुए मेरे यूट्यूब चैनल को, तो यही सोच के मैंने लिया था। मैं यही सोचा था यार मतलब काफी मतलब सारी वीडियोज स्पॉन्सर्ड है तो डेफिनेटली यार सब बेस्ट ही रिव्यू दोगे, तो यार मुझे ही लगता है वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्यों आप लोगों को झोल में रह रहे हो कि जो खराब है यार वो रियली खराब है। तो यही अगर आप लेने को सोच रहे हो तो डेफिनेटली मत लो यार, मगर अगर यही इसके फेस वॉश लेने की सोच रहे हो तो इसका फेस वॉश डेफिनेटली ले और बेस्ट है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखेगा। मगर अगर इस क्रीम की बात करो डार्क स्पॉट्स के लिए तो डेफिनेटली मत लेना आप डार्क स्पॉट्स के लिए। मेरी बाकी की अगर मैंने जो अपने डार्क स्पॉट्स ट्रीट किए हैं वो अपने ही ट्रिक और
रेमेडीज से ठीक ठीक ही हैं। तो अगर आपकी जैसे एक्ने, आप अगर वो ये फेस वॉश यूज कर रहे हो, कोई और भी फेस वॉश यूज कर रहे हो, अगर आपको वो सूट कर रहा है और डार्क स्पॉट्स अभी हैं तो उससे प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली मैं सारी वीडियोस जितने भी मैंने डार्क स्पॉट्स बनाए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डेफिनेटली ट्राई करने यार, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपकी स्किन केमिकल सूट नहीं करती है, क्योंकि कोजिक क्रीम एक केमिकल ही है, तो शायद वो मेरी स्किन पे सूट ना की हो, तो इसी वजह से मैं नेचुरल रेमेडी ही यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप डार्क स्पॉट्स के लिए कुछ सोच रहे हो तो डेफिनेटली मेरी वीडियोज आके देखो, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो सारी वीडियोस नेचुरल है, रियली इफेक्टिव है। तो अगर बात करें चलो इस क्रीम की, तो यार ये रियली क्रीम बकवास है। मैं सोच रहा हूँ इस क्रीम का करूँ क्या, मगर अब रखे रखे समझ लो खराब हो जाएगी, वेस्ट है, और मेरे 500 समझ लो वेस्ट हो गए। इसकी जगह मैं कुछ और प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर देता तो मुझे बिल्कुल ना खलता, मगर इस प्रोडक्ट में मुझे बहुत खल रहा है कि मैंने अपने 500 वेस्ट कर दिए हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, एकदम ट्रू रिव्यू था यार इस क्रीम को लेके, मतलब मेरे 500 एकदम वेस्ट हो गए। अगर आप अपने पैसे से लोगे तो रियली आपको मतलब फील होगा कि मैंने क्यों ले लिया, फिर आपके मन में गाली भी निकलेगी कि कहाँ से मैंने प्रोडक्ट ले लिया। तो रियली यार ये प्रोडक्ट मत लेना, एकदम वेस्ट है, मेरा भी ऐसे ही रखा है। देखे ट्यूब मतलब अभी फुल ही है, बस 10 दिन मैंने यूज किया था, और तो अगर आप सोच इसको लेने की है तो यार मत लो। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।